सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 7। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन द डाटा विल बी कलेक्टेड फ्रॉम 30 लोकेलिटी इन अ सर्टेन सिटी एज प्रेजेंटेड बिलो। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। सबसे पहले वही क्लास फाइंड कर लेते हैं। क्लास कितना होगा XI, जो कि हम जानते हैं अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई कितना होता है, 2 होता है। और जो क्लास डिफरेंस है वो कितना है, जो एच है, जो कि क्लास का डिफरेंस है वो कितना है, 0.04। अब हम टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे होगी, ठीक है, टेबल क्या होगी, सबसे पहले वैल्यूज पुट करते रखते हैं। तो यहां पे सबसे पहली वैल्यू क्या है, 0.002, 0.004। यहां पे 0.0042, 0.08। नेक्स्ट वन 0.082, 0.12। नेक्स्ट वन 0.12 टू 0.16 एंड नेक्स्ट वन कितनी है, 0.162 टू 0.20। उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दी हुई है, 4, 9, 9, 2, 4, 2, 2, 4 और 2। और एक और फ्रीक्वेंसी यहां पर दी हुई है 0.02 टू 0.24, ठीक है। XI क्या क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, यहां पे 0.06 हो जाएगा, यहां पे 0.1 हो जाएगा, यहां पे 0.14, 0.18 और यहां पे सबसे लास्ट में 0.22। तो DI कितना हो जाएगा, यहां पे अगर रखेंगे तो -0.12, -0.08, यहां पे -0.04, 0.04 एंड 0.08। तो UI कितना हो जाएगा, यहां पे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और सबसे लास्ट में जो आएगा वो कितना हो जाएगा, -12, -18, -9, 0, 4, 4, ठीक है। तो टेबल कुछ इस तरह से हो गई हमारी। वैल्यूज को असाइन कर देते हैं हम लोग। वैल्यूज क्या क्या है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा FI है, ये तुम्हारा XI है, ये तुम्हारा DI है, ये UI है और ये तुम्हारा सबसे लास्ट वाला FI UI। अब मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीन क्या है अपना, मीन एक्स बार जो क्या है वो ए प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच, ठीक है। सिग्मा FI UI सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए कितना, 0.14, क्वेश्चन में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -31 आएगा, ये 30 आएगा और एच भी तुम्हारा कितना आएगा, 0.04 आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0.099 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इतना कंसंट्रेशन SO2 का पार्ट्स पर मिलियन में होगा।